अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे, अगर दुश्मन करे आगाज तो अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। अभी तो हमारी जिंदगी पर है विश्वविद्यालय का नाम लिखा, अब अपनी मौत भी विश्वविद्यालय के नाम लिख देंगे। माँ भारती को प्रणाम करते हुए माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हैं, अमर क्रांतिकारी शहीद लाल पदमधर को शत शत नमन करते हुए, क्रांतिकारी स्वर्गीय शोभनाथ सिंह भाई, क्रांतिकारी स्वर्गीय कुलदीप केडी भाई, क्रांतिकारी स्वर्गीय मनीष सैनी और भाई अंकित को श्रद्धा सुमन और पुष्प अर्पित करते हैं। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अग्रजों, सभी वरिष्ठ अग्रजों, अनुजों और गुरुजनों को और यहाँ पर आई हुई समस्त युवा तरुणाई का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। भारत माता की वंदे, वंदे। दोस्तों, मैं प्रियंका सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ। अलाहाबाद विश्वविद्यालय पावन संगम नगरी का अंश है और हिंदुस्तान तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। और अलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंग होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं अलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। और इसी गर्व के साथ आपसे भी ये वादा करती हूँ कि अगर आपने अलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझे अध्यक्ष बनाया तो अगर आपके कैंपस के अंदर कोई भी घटना घटती है और उस घटना का परिणाम एक दिन के अंदर नहीं आ जाएगा तो 123 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष ऐसी होगी जिसका इस्तीफा आपको समर्पित कर देंगे। बहुत जी लिया बंदिशों में और बहुत जी लिया कैदों में और बहुत जी लिया पंछी की तरह पिंजरों में रहकर। संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा है और संपूर्ण भूमंडल हमारा है, इसलिए यहाँ पर आई हुई अपनी सभी बहनों से और महिला छात्रावास में सुन रही सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि अब हम कैद में नहीं जीने वाले। हमारे छात्रावास का गेट खुलेगा 24 घंटे, हमारे छात्रावास का गेट खुलेगा 24 घंटे, ये वादा करते हैं आपसे। महोदय, अभी आप बोल के गए कि आप किसी संगठन के रहनुमाई नहीं करते और शायद 4 दिन पहले आप उसी संगठन से टिकट मांग रहे थे। आपने कहा कि आप किसी संगठन का पट्टा डालकर गले में नहीं घूमते और शायद आपकी पीढ़ियों ने उसी पट्टे के द्वारा अपनी राजनीति को तय किया। अब आप जवाब दीजिए और ये आम छात्र आपसे जवाब मांगेगा। ये डिस्टर्बेंस कैसा, क्योंकि आप चाहते हैं, आपके खेमे में बौखलाहट है, शायद आप बमबाजी गोलीबारी करा रहे हैं, उससे हम डरने वाले नहीं। महोदय, हम आपको बता देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि 14 अक्टूबर का जो महापर्व है और उस 14 अक्टूबर की रात को जो क्रांति आएगी वो सामंजस्य की क्रांति होगी, जो परिणाम आएगा वो समन्वय का परिणाम आएगा, जो क्रांति होगी वो समरसता की क्रांति होगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना विश्वविद्यालय की है क्या? शायद आप सभी बड़े अच्छे से परिचित होंगे, विश्वविद्यालय के हुक्मरान अपने साथ महिला गार्डों को रखते हैं और महिला छात्रावास में पुलिस गार्डों की नियुक्ति है। आखिर ये ऐसा द्वैत व्यवहार क्यों? आपने इस कैंपस के अंदर अपनी तानाशाही को जो बरकरार किया है उसको यहाँ का आम छात्र निस्ता नाबूद कर देगा, क्योंकि शायद आपको नहीं पता कि परिंदे की शराफत है कि अपने पर समेटे हैं, परिंदे की शराफत है कि अपने पर समेटे हैं, अगर पर खोल दें अपने तो पिंजड़े टूट जाते हैं, अगर पर खोल दें अपने तो पिंजड़े टूट जाते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी युवा तरुणाई से मेरा एक प्रश्न होगा और मंच पर आसीन सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न होगा, कृपया अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर सही जवाब दीजिएगा और उस विषय पर चिंतन और मनन जरूर करिएगा। क्या राजनीति में आना हमारा अपराध है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, और मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं बस किसी की बहन हूँ, मैं बस किसी की बेटी हूँ और हमारा परिचय बस यही है कि इस विद्या के मंदिर में मैं केवल और केवल एक छात्रा हूँ। अब आप जवाब देंगे ऐसे जाति धर्म पूछने वालों से
आपका पांच मिनट समाप्त हो चुका है। आपको एक ऐसी बात बताना चाहेंगे, शायद आपकी भावनाएं भी बंद नहीं होंगी, आपके आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। जब हमने अपने राजनीतिक करियर में आगे पांव बढ़ाया तो कुछ लोगों ने हमें वैश्या, तवायफ और रंदे के नाम से घोषित किया इस विश्वविद्यालय ने। ये भावनाएं हमारी है जो इस मंच के माध्यम से ऐतिहासिक प्राचीर से आपके सामने बोल रही है। अब आपको जवाब देना है ऐसे लोगों को कि क्या अगर आपकी बहन राजनीतिक गलियारों में अपना करियर तराशने जाती तो क्या आप भी ऐसे मौन साधे रहते, आप ऐसे ही मौन स्वीकृति लिए रहते? लेकिन है मुझे पूरा विश्वास यहाँ पर उपस्थित समस्त तरुणाई पर कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोतने का काम आप करेंगे, और इतना कालिख पोत दीजिएगा, इतना कालिख पोत दीजिएगा कि इनको पैदा करने वाले माँ बाप भी इनको पहचान न पाए। अब जरूरत आपकी है और निर्भरता अब आपकी है कि आप कैसे जवाब देना चाहते हैं इन अराजक तत्वों को, इन विसंगतियों को, और जो यहाँ के चंद चाटकार और दलाल है उनको भी बता देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर अगर आपने विषम परिस्थितियों को जन्म दिया, विश्वविद्यालय के अंदर अगर आपने अराजकताओं को जन्म दिया, तो अब आम छात्र मौन होने वाला नहीं है। अब आम छात्र एक साथ खड़ा होकर आपको निस्तानाबूद कर देगा, क्योंकि एकता में शक्ति होती है और शक्ति के आगे दुनिया झुकती है। इसलिए आप सबसे आह्वान कर रहे हैं कि 14 अक्टूबर के महापर्व में आप सब भागीदार जरूर बने, क्योंकि हमारा कंसर्न है आपके विश्वविद्यालय का माहौल बेहतर हो, हमारा कंसर्न है आपके विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल हो, हमारा कंसर्न है आपके विश्वविद्यालय में इंटरनेट सेल हो, हमारा कंसर्न है कि आपको कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कराया जाए, हमारा कंसर्न है कि आपको ट्रेवलिंग कंसेशन मिले, हमारा कंसर्न है कि आप। प्रियंका सिंह, आपका 7 मिनट समाप्त हो चुका है, कृपया अपनी बात समाप्त करें।